गाइज आप यहां से देख सकते हो कि मेरे प्रत्येक रील्स वीडियो वायरल है, तो मैं इसमें कौन सा ट्रिक्स लगाता हूं और टिप्स लगाता हूं जिससे कि मेरे प्रत्येक रील्स वीडियो वायरल हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि वो टिप्स एंड ट्रिक्स, वो तरीका जिसको आप यूज करके अपने प्रत्येक फेसबुक रील्स वीडियो को वायरल कर सकते हो, चाहे वो प्रोफाइल रील्स हो चाहे वो पेज रील्स हो। आप लोग पोस्ट करने वक्त बहुत सी गलती करते हो, पोस्ट करने के बाद ऐसे ही छोड़ देते हो, आपको लगता है कि यार मेरा रील्स वीडियो वायरल होना होगा तो हो जाएगा। भाई आप तो कोई सेलिब्रिटी हो नहीं, आप तो कोई स्टार हो नहीं जिससे कि आप जैसे ही अपने रील्स वीडियो को पोस्ट करो आपका रील्स वीडियो वायरल हो जाएगा। भाई पोस्ट करने से पहले कौन कौन सी गलती का ध्यान रखना, पोस्ट करने के बाद कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या, और साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक जिससे कि आपका प्रत्येक रील्स वीडियो वायरल हो जाएगा, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसके लिए मैंने यहाँ से अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है जो कि ई सेट चल रहा होगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इन स्टेप्स को समझने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके रील्स वीडियो पर भी अच्छे खासे व्यूज आने लगेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना फेसबुक खोलना है, फेसबुक खोलने के बाद आपको नीचे स्लाइड करना है, नीचे स्लाइड करने के बाद क्रिएट ए रील्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट ए रील्स पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आपका गैलरी खुल जाएगा। देन आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको वो वीडियो चूज कर लेना है जो कि आपने ऑलरेडी बना रखा है। जैसे कि मैंने ये वीडियो को बना रखा है, ठीक है, तो यहां से मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूं। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद अगर वो किसी सॉन्ग्स पे रहे, अगर आपका ओरिजिनल डायलॉग या वॉइस रहे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो कोई सॉन्ग्स पे रहे तो यहां से ऑडियो पे क्लिक करना है और यहां से ऐड म्यूजिक पे क्लिक करके यहां से वो सॉन्ग्स सर्च कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई डायलॉग है तो यहां से मैं डायलॉग सर्च कर लेता हूं, और आपका जो भी रहे गाना उना जो भी रहे यहां से सॉन्ग्स को सिलेक्ट कर लेना है। सॉन्ग्स को सिलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे में आपके सामने थर्ड ऑप्शन में एक इफेक्ट्स वाला ऑप्शन आ जाएगा। आपको कोई ना कोई फेसबुक का इफेक्ट्स जरूर लगाना है जिससे फेसबुक को लगेगा कि नहीं ये मेरे ही लाइब्रेरी से एडिट किया गया वीडियो है, यानी कि फेसबुक के कैमरा से ही शूट किया गया है। तो कोई सा भी बढ़िया इफेक्ट देख के आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा ये इफेक्ट बहुत ज्यादा हमको पसंद पड़ा तो यहाँ से इफेक्ट सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है कि नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको आप देखिएगा कि आपका सबसे पहले वीडियो कौन सा सॉन्ग्स पे है या कौन सा डायलॉग पे है, ठीक है। तो मेरा मान लीजिए कि मेरा कोई सा डायलॉग है तो यहाँ से मैं आपको उस डायलॉग का नाम लिखना है जो कि टाइटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वीडियो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे ही बनाना है क्योंकि फेसबुक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स को सजेस्ट करता है। तो यहाँ से मैं जैसे मेरा वीडियो है कि पान खाने के बाद, ठीक है, तो पान खाने के बाद इतना लिखना है। या फिर अगर आप टाइटल नहीं लिखना चाहते वीडियो को तो आपको सिंपली क्या करना है कि टाइटल इतना यूनिक लिखना है कि उस चीज को देखने के बाद आदमी आपकी वीडियो पे रुके। तो लिख देंगे वेट फॉर इंड ट्विस्ट, ठीक है। यहां से लिखने के बाद क्या करना है कि अगर आपका फनी वीडियो है तो फनी में दो गो इमोजी देना है, ठीक है। अगर आपका एटीट्यूड वीडियो है तो एटीट्यूड देना, अगर आपका एंग्री वीडियो है तो कम से कम इमोजी आपको लगाना ही लगाना है। इतना लगाने के बाद क्या करना है कि आपको आपका वीडियो अगर सॉन्ग्स पे है तो यहाँ से हैशटैग में सॉन्ग्स लगाना है, सॉन्ग्स का नाम लगाना है, टोटल चीज लगाना है। तो जैसे मेरा डायलॉग वाला वीडियो है तो मैं यहाँ से सबसे पहले हैशटैग डायलॉग लिखूंगा, डायलॉग लिख देता हूँ। फिर मेरा कौन सा डायलॉग है, पान का डायलॉग है, तो PAN पान लिख देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप यहाँ पे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो आप फेसबुक के रील्स पर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो यहाँ रील्स वायरल भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हैशटैग फेसबुक देना है, ठीक है, हैशटैग फेसबुक। अब देखिए मोर इंपॉर्टेंट हैशटैग, आप क्या कर रहे हो कि ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो तो यहाँ से हैशटैग ट्रेंडिंग देना है। चलिए इतना हैशटैग डालने के बाद सिंपली मैं इस वीडियो को यहां से शेयर पे क्लिक करके अपने वीडियो को पोस्ट कर दूंगा। अब क्या करते हो आप लोग, वीडियो पोस्ट करने के बाद आप लोग छोड़ देते हो। भाई वीडियो पोस्ट करने के बाद वीडियो को छोड़ना नहीं है, मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस मोबाइल से आपने वीडियो को पोस्ट किया उस खुद की फोन से वीडियो को नहीं देखना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप खुद की फोन से अपने वीडियो को देखते हो, जिस आईडी से आपने वीडियो को पोस्ट किया उस आईडी से अपने वीडियो को देखते हो तो वो इनवैलिड क्लिक के अंतर्गत आता है। आपका वीडियो इनवैलिड क्लिक हो जाएगा, फेसबुक को लगेगा कि यार ये अपने वीडियो को खुद ही देखकर अपने व्यूज बढ़ा रहा है जिससे वो आपकी वीडियो को आगे सजेस्ट नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको जिस मोबाइल से आपने
वीडियो पोस्ट किया उसका नेट बंद करके छोड़ देना है। उसके बाद फैमिली मेंबर में या दोस्त या किन्हीं का भी मोबाइल हो, ठीक है, उनका मोबाइल उठाना है, अपने फेसबुक आईडी का नाम सर्च मारना है। फेसबुक आईडी का नाम सर्च मारने के बाद खुद की वीडियो को प्ले करके रख देना है, कम से कम 4-5 मोबाइल से 5-5, 6-6 बार करके प्ले करना है। इतना करने के बाद आपका वीडियो पर जो बूस्ट है ना, एकाएक पहले बूस्ट मिलेगा, क्योंकि फेसबुक क्या करता है कि कोई भी चीज में ऑडियंस रिटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑडियंस रिटेंशन जैसे ही आप अपने वीडियो को इंस्टेंट बूस्ट दीजिएगा, आपका वीडियो धीरे 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 वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा। ना काम करने के बाद आपको प्रत्येक दिन कम से कम 3 रील्स वीडियो पोस्ट करना है। 3 रील्स वीडियो पोस्ट करना है मतलब ये नहीं कि एक ही साथ तीनों वीडियो को पोस्ट कर दे, नहीं, एक मॉर्निंग के 9 बजे पोस्ट करना है, दूसरा वीडियो आपको 1:30 बजे दोपहर में पोस्ट करना है, और तीसरा वीडियो आपको शाम में 7 बजे पोस्ट करना है। यही लगभग में आप पोस्ट कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप तीनों वीडियो को एक ही साथ पोस्ट करते हो तो आपका कोई वीडियो वायरल नहीं होगा। अगर आप 3-4 घंटे के अंतराल पे अपने वीडियो को पोस्ट करते हो तो उससे बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अगर मैं आपकी वीडियो को एक बार देखता हूं तो आपकी दूसरी वीडियो भी मेरे सजेस्ट में आएगी। और एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट ट्रिक इस बात का ध्यान रखना है कि जो वीडियो, जो रील्स वीडियो पे आपका सबसे ज्यादा व्यू जाता है उसी टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है, जैसे कि मेरा कॉमेडी वीडियो पे बहुत ज्यादा व्यू जाता है तो उसी टॉपिक के रिगार्डिंग मैं अपने रील्स पे वीडियो लगातार बनाता जाऊंगा। कम से कम 30 से 40 रील्स आपको उसी टॉपिक पे बना देना है जिस वीडियो पे आपका सबसे ज्यादा व्यूज आया है। ये बिल्कुल सीक्रेट ट्रिक है गाइज, अगर इस ट्रिक को आप बारीकी से फॉलो करते हो तो आपके 1 महीना के अंदर आपके रील्स वीडियो पे बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे और वो वायरल होने लगेगा। वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इस टॉपिक रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो @BadshahGolden लगाकर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।